पल में तोला पल में माशा, ये कहावत सियासत में बड़ी फिट बैठती है। जरा आप ये तस्वीरें देखिए। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत डोटासरा के साथ कुर्सी पर बैठी नेत्री है वृंदा करात और ये तस्वीरें सियासी मायने में काफी महत्वपूर्ण है। तस्वीरें इसलिए खास है क्योंकि राजस्थान में दोस्ती तो दक्षिण में सियासी अदावत सब एक साथ नजर आती है और यही तो खास बात है इस राजनीति की। तस्वीरें हैं सीकर की। इंडिया गठबंधन से माकपा के अमरा राम ने पर्चा भरा। तमाम दिग्गज नेता प्रचार के लिए साथ आए। आज जो नेता एक साथ कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं, एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं, दक्षिण भारत में सियासत उल्टी नजर आती है। क्योंकि इस बार जहां राजस्थान में सीकर से कांग्रेस के ने गठबंधन के तहत माकपा के प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया, वहीं दक्षिण में इस बार राहुल गांधी के लिए वायनाड में जीत आसान नहीं दिख रही। वायनाड सीट पर लेफ्ट ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। इसी को लेकर सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने कहा था कि सीपीआई ने वायनाड सीट से महिला आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली कॉमरेड एनी राजा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अब वो पूरे एलडीएफ की ओर से चुनाव लड़ेंगी। राहुल गांधी और कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। वो कहते हैं कि उनकी लड़ाई बीजेपी से है। करात ने आगे कहा कि केरल में अगर आप आते हैं और वामपंथ के खिलाफ लड़ते हैं तो आप क्या संदेश दे रहे हैं, इसलिए उन्हें अपनी सीट के बारे में एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। बता दें कि सीपीआईएम और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अब ऐसे में ये सियासी दोस्ती कब तक एक दूसरे का साथ देगी, ये तो देखने लायक बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।